हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक मोटिवेशनल टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कुछ पढ़कर, कोई वीडियो या मूवी देखकर बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं और अपने गोल्स अचीव करने के लिए सुपर मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, पर इसका असर कुछ समय बाद ही चला जाता है और हम वापस अपनी पुरानी रूटीन पर लौट आते हैं और फिर से वही ज़िंदगी जीने लगते हैं जिसे हम हमेशा से जीते आए हैं। यानी हमारी मोटिवेशन जल्द ही मर जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो जोश ठंडा पड़ जाता है। 3 दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना वापस 8 बजे तक सोने में बदल जाता है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो कुछ ही दिन तक चली 10-10 घंटे की प्रैक्टिस वापस 3-4 घंटे पर आकर अटक जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो हम हमारे बेस्ट पर्सन से वापस मीडियोकर पर्सन पर लौट आते हैं और मोर ऑफन देन नॉट मोटिवेशन मरती ही मरती है, चाहे वो कितनी ही मोटिवेशनल स्टोरी या वीडियो क्यों नहीं हो। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं मरती है, यह एक चीज़ है हमारी आदत। मैं कितनी भी देर से क्यों नहीं सोने जाऊं, किसी बुक का एक पेज ज़रूर पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरी आदत है। मेरी माँ चाहे जितनी बिजी हो, सुबह शाम पूजा जरूर करती हैं, क्योंकि ये उनकी आदत है। इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई आदत होगी जिसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आप उसे रोज एफर्टलेसली करते होंगे। वो आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। वो सुबह उठकर जॉगिंग करना भी हो सकती है और उठते ही सिगरेट पीना भी। वो जो भी हो, आपकी लाइफ बनाती है। मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। स्टीव जॉब्स की आदत थी कि वो किसी भी चीज़ के अंदर तह तक चले जाते थे और उनकी बारीक से बारीक चीज़ों को समझकर ही दम लेते थे। डिटेल्स पर इतनी बारीक नज़र रखने की अपनी आदत के कारण ही वे आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे एक से बढ़कर एक एप्पल प्रोडक्ट्स डिजाइन कर पाए। सचिन तेंदुलकर की गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर मौसम में ठंडों घंटों प्रैक्टिस करने की आदत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। जॉब्स को डिटेल्स में घुसने की किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तेंदुलकर को प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मूड की आवश्यकता नहीं होती थी। ये उनकी आदत थी, ये उनकी हैबिट थी और हैबिट जल्दी जाती नहीं। कौन सी आदत अपनाएं, ये तो आपको सोचना होगा। लेकिन अगर हम किसी तरह बस 2-3 अच्छी आदतें डाल लें तो हमारी लाइफ इस कदर बदल सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। तो उन्हें मैं मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्सन की याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। इसलिए वही करना छोड़िए, कुछ नया कीजिए, कोई नई आदत डालिए। एंड आई प्रॉमिस यू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बनाई हुई छोटी सी आदत आपकी लाइफ में एक बड़ा सा बदलाव ला सकती है। जहां अपने करंट सेट ऑफ हैबिट के साथ लाइफ में थोड़ा कुछ हासिल करते हैं, वहीं एक अच्छी आदत डालकर आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।